लगभग 21 माह के बाद छोटे बच्चों के लिए आखिरकार स्कूल खुल गए। स्कूल खुलने के बाद एजुकेशन हब हमीरपुर के विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। स्कूल खुलने से बच्चे खुश नजर आए। हालांकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो स्कूल खुलने के बाद पहले दिन 50% बच्चों ने ही कक्षा में अपनी पहुंच दिखाई। कन्या विद्यालय हमीरपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6ठी 7वीं व 8वीं में 50% के लगभग ही बच्चे स्कूल पहुंचे। ऐसा ही अनुपात लगभग हर स्कूल में देखने को मिला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या हमीरपुर के प्रधानाचार्य विजय गौतम ने बताया कि सरकार के द्वारा जारी किए गए जरूरी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले दिन स्कूल में आए 6ठी व 7वीं कक्षा के बच्चे पहली बार अपने अध्यापकों के साथ मिले हैं। इससे पहले इन दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थी वर्चुअल माध्यम से ही अध्यापकों से जुड़ पाए थे, लेकिन पहली बार फिजिकल रूप से अध्यापकों और विद्यार्थियों का मिलन हुआ है। आज बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद बच्चे 6ठी और 7वीं के स्कूल आए। लगभग 1.5 वर्ष के अंतराल में कुछ एक दिन कुछ बच्चे आ पाए हैं, वो भी समस्याओं के समाधान हेतु। अधिकतर बच्चे जो हैं, जब मैंने सुबह उनका स्वागत किया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि हम पहली बार स्कूल आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही सुखद पूर्ण अनुभव था कि हम बच्चों से जो 7वीं में हो गए हैं पहली बार मिल रहे हैं। तो मैंने सभी बच्चों का जो है वो अध्यापकों के साथ परिचय करवाया और बच्चे आज अलग सा फील कर रहे हैं और हमें भी एक अनुभूति आ रही है कि हम बच्चों के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सर, क्या एहतियात बरती जा रही है इस पर? बच्चों के आते ही 2 गेटों पे हम थर्मल स्कैनिंग करते हैं, उनके हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं और उनका मास्क चेक किया जाता है। बिना मास्क के किसी भी बच्चे को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। अगर किसी बच्चे के पास मास्क नहीं है तो हम स्कूल की ओर से उसे मास्क दे रहे हैं ताकि वो कोरोना से बच सके। स्कूल की छात्राओं ने बताया कि स्कूल आकर उन्हें अच्छा अनुभव हो रहा है। स्कूल खोलने के बाद वे बेहद खुश हैं। छात्राओं का कहना है कि वर्चुअल माध्यम के बजाय अब वे कक्षा में बेहतर तरीके से अध्यापकों से पढ़ाई कर पाएंगी। वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई के दौरान सिग्नल तथा अन्य तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन अब कक्षा लगने से उनकी शंकाओं को भी अध्यापक मौके पर हल कर सकेंगे और उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। आज बड़े दिनों बाद स्कूल लगा है, क्या कहोगे इस बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल लगा है तो। और ऑनलाइन क्लास में थे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती थी, पर अब स्कूल में आए हैं तो हमें मज़ा भी आ रहा है और समझ भी आ रहा है, और अभी टीचर हमारी क्लास भी है। कोरोना के बाद आए हैं तो कुछ डर था स्कूल आने का कि नहीं? थोड़ा सा था, पर अब अगर अपनी सेफ्टी रखेंगे तो कोई डर नहीं होगा। 1 गज 2 गज की दूरी रखेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर से हाथ धोएंगे तो कोई डर नहीं होगा हमें। और हमारे टीचर ने हमें आते ही स्वागत किया, और हमें मुख्य अध्यापक और टीचर ने हमें स्वागत किया और परिचय किया सारे टीचरों से। मज़ा भी आया स्कूल में आके। सर, मेरा नाम अंशिका है। बड़े दिनों बाद स्कूल आए हैं, कैसा लग रहा है? और सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल आया है बहुत अच्छा लग रहा है। घर पर बैठे बैठे हम लोग बोर भी हो गए थे और हमारी अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। कभी कभी फ़ोन में कभी कोई खराबी आ जाती, कभी कोई खराबी। ऑनलाइन क्लास में भी ऐसा, फ़ोन कभी नेट चला जाता था तो कभी सर हो जाते थे, चले जाते थे, उससे कट हो जाती थी क्लास, डिस्कनेक्ट हो जाती थी। कोरोना का कुछ डर, क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं स्कूल में? सर, डर तो बहुत है कोरोना का। अगर हम खुद अपनी सेफ्टी रखें, हाथ धोए, मास्क लगाए, टाइम टाइम पे सैनिटाइजर करें, 2 गज की दूरी बनाए तो कोई डर नहीं होगा, कोरोना भी भागेगा और हम भी अच्छे से अपने स्कूल की पढ़ाई करेंगे। आज हमारे मुख्य अध्यापक ने हमें सारी टीचरों से मिलवाया और हमें भी उन सारी टीचरों से मिलके बहुत अच्छा लगा।